जिनको एस्मा है उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनको रन नहीं करना चाहिए, तो ये सही है? देखिए, एक लिमिट तक तो अपना रन कर सकते हैं, अगर नॉर्मल रूटीन रन जो है अगर वॉक कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन रन के लिए तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक कि अस्थमा के सिम्टम्स हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वॉचिंग द गुड हेल्थ शो। और आज हम बात करने वाले हैं सीजनल एस्मा की, और उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चेतन। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू, आपको बुलाने के लिए शुक्रिया। सर, आज हम सीजनल एस्मा के बारे में बात करने वाले हैं, और टू बिगिन विद मेरे पास कुछ मिथ्स हैं जो हमारे पास आते हैं, हम पूछते हैं इंस्टाग्राम पर कि अगर आपके कुछ मिथ्स हैं जो आप चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे पास जो मिथ आया है वो ये है कि जो सीजनल एस्मा है वो स्प्रिंग में ही होता है, तो इज इट राइट और इट्स अ मिथ? इट्स मिथ। जो वो सीजनल एस्मा है वो स्प्रिंग में होता है, डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन ये विंटर में भी हो सकता है और ये समर में भी हो सकता है। ओके। जो सीजनल एस्मा उसमें इसलिए होता है कि वहाँ पॉलन ग्रेन्स वगैरह का होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर ये होता हर सीजन में। ओके, तो ये किसी भी सीजन में हो सकता है। एंड सर, सीजनल एस्मा टेम्प्ररी इशू है, ये इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिथ है या सही है? नो, सीजनल एस्मा को 100% ट्रीट करना चाहिए। कभी कभी इतना तेज़ी से होता है कि लोगों को अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते। okay. तो मेरा सजेशन ये है कि सीजनल एस्मा को सीरियस लेना चाहिए। ओके, तो ये एक सीरियस कंडीशन है। यस। ओके, एंड अगर हम किसी भी डिफरेंट क्लाइमेट या लोकेशन पर जा रहे हैं तो भी हमें सीजनल एस्मा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम कुछ ऐसे क्लाइमेट या एनवायरमेंट पर जा रहे हैं जहाँ की हमारी एलर्जी नहीं है, एलर्जेंस नहीं हमारे पास, तो डस्ट माइट नहीं है, तो चांसेस थोड़े वहाँ कम हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाने से हमारे सीजनल एस्मा का इफेक्ट कम होगा। ओके, और क्योर भी हो सकता है ऐसे? नो, जैसे कि अभी हम दिल्ली में हैं, तो अभी किसी को सीजनल एस्मा है डस्ट की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से, लेकिन अगर कहीं पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, बेटर हो सकता है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हो सकता। देखिए, अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है, ठीक है, तो अस्थमा जिसको होता है उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और जो आप अगर पहाड़ पे जाते हैं या कहीं ऐसे समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो चांसेस कम होते हैं। ओके, एंड सर, जो एस्मा के सिम्टम्स हैं वो हमेशा हमेशा सीजनल ट्रिगर से ही आते हैं या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता नहीं? ज़्यादातर तो सीजनल ट्रिगर से आएंगे, लेकिन बहुत सारे रीजन्स हैं। सपोज करो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है, प्रेसिपिटेटिंग हो सकता है, आप ऐसे एनवायरमेंट काम, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हो सकता है, ज़रूर नहीं कि सीजनली होता है। ओके, तो सर ये थे कुछ मिथ्स जो हम चाहते थे कि आप बस्ट करें। सर, कुछ क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि सीजनल एस्मा होता क्या है, और ये एस्मा से जो ये अलग होता है ये किस तरह से अलग हम कह सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सीजनल एस्मा एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। जी, ज़्यादातर देखा गया है कि अक्टूबर से मई के बीच में जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, डस्ट माइट, धूल वगैरह ज़्यादा होती है, तो उसमें जो अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अस्थमा और वजह से भी हो सकता है। okay. अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि लोग अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज से भी हो सकता है, चाइल्डहुड अस्थमा भी होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी अस्थमा हो सकता है। ओके, और सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमको एस्मा हो गया है, क्या साइंस और सिम्टम्स? देखिए, एस्मा के साइंस सिम्टम्स तो बहुत सारी चीज़ों से मिमिक करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एस्मा में सांस फूलना, रनिंग नोज, पहले बताते हैं रनिंग नोज भी आती है, उसमें सांस फूल सकती है आपको, है ना, और खांसी जो आती है ड्राई आती है यूजली, फिर बाद में अगर इन्फेक्टेड है तो बलगम भी आ सकता है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है इसमें। ओके, और सर एक चीज़ ऐसा बोलते हैं कि जिनको एस्मा है उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनको रन नहीं करना चाहिए, तो ये सही है? देखिए, एक लिमिट तक तो अपना रन कर सकते हैं, अगर नॉर्मल रूटीन रन जो है अगर वॉक कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन रन के लिए तो मैं सजेस्ट करता हूं कि उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक कि अस्थमा के सिम्टम्स हैं। okay. अगर अस्थमा के सिम्टम्स रुक गए हैं तो वो अपना रन कर सकते हैं। ओके सर, सर जैसे आपने बताया कि रनिंग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रहकर, तो सर और भी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं अगर हमको एस्मा है तो हमें लेने चाहिए? देखिए, सीजनल एस्मा के प्रिकॉशंस तो बहुत सारे, सबसे पहले ऐसा मौसम आ रहा है, सपोज करो समर है, स्प्रिंग है, तो उसमें आप अपने ना दरवाजे बंद रखिए, ज़्यादातर जिस पॉल्यूशन बाहर से आएगा, अगर आप बाहर जा रहे हैं अपने कपड़े पहनकर तो उन कपड़ों को वॉश करिए, क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन्स, डस्ट माइट चिपक सकते हैं बाहर के, तो जितने भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, जितने भी एलर्जेंस हैं, उनको हम अवॉइड इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना, पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी। ओके, एंड सर कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या फिर डाइटरी हैबिट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में? डाइट, बहुत अच्छी डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, लेस फैट डाइट होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अगर ये होगा तो हमारा ये फैक्टर्स हैं जो हमारे अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ओके,
ओके, तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो भी उनको एस्मा होने का चांसेस ज्यादा है? एस्मा तो है उनको, बिल्कुल डिप्रेशन से एस्मा के चांसेस हो सकते हैं। ओके, एंड सर अगर हम मेडिकेशन की बात करें, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि एस्मा हो रहा है तो इनहेलर उनके पास है तो उनको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगी कि मेडिकेशन का क्या रोल है एस्मा में और इनहेलर का?